बच्चों, लास्ट टाइम हमने किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की लिमिटेशंस। उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को और ब्लैक बॉडी रेडिएशन को। जो हमने कल ही आपको वीडियो भेजा था, नेक्स्ट इसकी और एक लिमिटेशन थी कि जो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। तो लाइन स्पेक्ट्रम हमने यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, पहले हम बोहर एटॉमिक मॉडल करेंगे, उसके बाद आपको लाइन स्पेक्ट्रम करवाएंगे ताकि आपको थोड़ा आसान लगेगा। पहले हम करवाएंगे तो आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा। फिर भी मैंने आपको एक किसी दूसरे पर्सन का एक वीडियो कॉल भेजा था स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा कि वहां पे क्या हो रहा है। डिफरेंट सीरीज आपने स्टडी की होंगी, लाइमन सीरीज, वार्मर सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पी फंड सीरीज, पाशन सीरीज, ये आपको मैंने कल इसलिए भेजा था थोड़ा सा आपको नॉलेज मिल जाए कि होता क्या है इसमें। पर डिटेल में हमने पहले बोहर मॉडल करने के बाद मैं आपको खुद का वीडियो बना के इसके ऊपर आपको अपलोड करूंगा। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे कौन सा, बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल जो है ये वैसा ही मॉडल है, इसका मेन जो पॉइंट है, पहला पॉइंट जो है वो रदरफोर्ड के जैसा ही है, उसी को इसने मॉडिफाई किया है। किसको मद्देनजर रखते हुए, जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी वहां पे अप्लाई नहीं हो पा रही थी। अगर अप्लाई करते हैं तो स्टेबिलिटी हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं एटम की। रदरफोर्ड की लिमिटेशन ही वही है कि एटम स्टेबल कैसे है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कहती है इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एनर्जी लूज करेगा तो न्यूक्लियस में गिरना चाहिए, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो बोहर ने किसकी हेल्प ली, बोहर ने हेल्प ली प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की, जो मैक्स प्लैंक ने दी है। तो उसको दिमाग में रखते हुए नील बोहर साइंटिस्ट का नाम है, जे डेनिस फजिस्ट है जिसने जे मॉडल दिया हुआ है, इसने रदरफोर्ड मॉडल को मॉडिफाई किया है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज दैट मॉडल। तो नील बोहर एक डेनिस फजिस्ट इन 1913 प्रपोज्ड न्यू मॉडल ऑफ एटम बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम एज वेल एज स्टेशनरी स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो नील बोहर ने 1913 में एक मॉडल दिया रदरफोर्ड मॉडल को मॉडिफाई करते हुए, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को दिमाग में रखते हुए, क्या करने के लिए, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन करने के लिए और लाइन स्पेक्ट्रम जो था हाइड्रोजन एटम का उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो मेन पॉइंट्स क्या हैं, बोहर मॉडल के पहला पॉइंट वही रहेगा जो रदरफोर्ड ने कहा है, उसके अलावा उसने दो पॉइंट और कहे हैं जो जहां पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए पहले पॉइंट पे बात करते हैं। हमने पहले पॉइंट को डिफरेंट पॉइंट में ब्रेक किया है, आपने आप भी ऐसा ही लिख सकते हैं, पर मेन उसमें तीन ही पॉइंट हैं। एक तो ऑर्बिट का कंसेप्ट है, दूसरा एनर्जी का कंसेप्ट है और तीसरा एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट है। पर एनर्जी वाले कंसेप्ट को हमने तीन चार पॉइंट में फर्दर डिवाइड किया ताकि आपको थोड़ा सा इजी लगे। तो चलिए बात करते हैं पहला पॉइंट क्या है। तो मेन पासुलेट या मेन पॉइंट्स ऑफ बोहर एटॉमिक थ्योरी आर, पहला है एन एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी इन द सेंटर नोन एज न्यूक्लियस। ये वही है जो रदरफोर्ड ने कहा था। रदरफोर्ड ने कहा था एटम में एक स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है सेंटर में, जिसको हम क्या के बोलते हैं, न्यूक्लियस। इसने भी वही कहा। फिर रदरफोर्ड ने कहा था कि उसके सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडीज हैं जिनको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं वो रिवॉल्व करते हैं, इसने भी वही कहा। तो एन एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इन द सेंटर नोन एज न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज बॉडी या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स नोन एज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डेफिनेट सर्कुलर पाथ। ये इसने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमते हैं, डेफिनेट सर्कुलर पाथ है। ये बात ध्यान में रखिए, ये जो वर्ड इसने यूज किया है डेफिनेट, बाद में यही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये हम आगे जाके जब क्वांटम मॉडल स्टडी करेंगे वहां पे आपको बताएंगे कि डेफिनेट वर्ड से क्या प्रॉब्लम हुई। तो इसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द डेफिनेट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, जिनकी जो पाथ है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सर्कुलर पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और इन सर्कुलर पाथ की एनर्जी क्या है, फिक्स्ड है, डेफिनेट एनर्जी है। पाथ में जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो दीज सर्कुलर पाथ, इन सर्कुलर पाथ को उसने कहा, इनको हम क्या कहेंगे, ऑर्बिट्स कहेंगे, जहां स्टेशनरी स्टेट्स कहेंगे, जहां क्या कहेंगे, एनर्जी लेवल्स, जहां इनको सिंपली हम क्या कह सकते हैं, शेल्स। तो जे इसने कहा कि एटम में क्या है, सेंटर में कोई स्मॉल पॉजिटिव चार्ज बॉडी है जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है, और उसके सराउंडिंग में डिफरेंट डिफरेंट सर्कुलर पाथ हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। इन सर्कुलर पाथ की एनर्जी फिक्स्ड है, इसलिए इनको स्टेशनरी स्टेट कहा गया। ये एनर्जी के साथ एसोसिएटेड है, इसलिए इनको एनर्जी लेवल्स भी कहा गया, इनको शेल भी कहा जा सकता है और इनको ऑर्बिट्स भी कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये पहले में ही हम कह सकते हैं, पर इसमें थोड़ा मैंने आपको पहले बोला, ब्रेक करके लिखा हुआ है।
दूसरा ये कहता है कि जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं उनको हम नंबरिंग कैसे कर सकते हैं, स्टार्टिंग क्लोजेस्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सराउंड जो क्लोजेस्ट एरिया है न्यूक्लियस से, वहां से स्टार्ट करते हुए हम इनकी नंबरिंग कर सकते हैं। जो न्यूक्लियस के पास वाला पाथ है उसको एन वन फर्स्ट एनर्जी लेवल कह सकते हैं, फिर सेकंड एन टू सेकंड एनर्जी लेवल, फिर थर्ड वाला, तो इनकी नंबरिंग कैसे की जाएगी, एन वन टू थ्री फोर एटसेट्रा, जहाँ इनको हम डेजिग्नेट कर सकते हैं के एल एम एन एटसेट्रा शेल्स है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस से स्टार्ट करते हुए हमने करना है। मान लीजिए हमारे पास न्यूक्लियस है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है और इसके सराउंडिंग पहला पार्ट ये है, तो ये एन वन हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑर्बिट आता है, बीच में गैप रहेगा जहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, यहाँ पे एन टू सेकंड आ जाएगा। फिर इसी तरह से आप कह सकते हो ये थर्ड है, एन इक्वल टू थ्री आ जाएगा, सो ऑन, इस तरह से चलता रहेगा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम क्लोजेस्ट टू द नंबरिंग कहां से करें, जो न्यूक्लियस के क्लोज है उसको नंबर वन लिखना है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, सो ऑन। फिर थर्ड पॉइंट है एनर्जी ऑफ ईच शेल फॉर हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम। उसने कहा जो सर्कुलर पाथ है उनकी एनर्जी किसके बराबर होगी, जब हम हाइड्रोजन एटम लेंगे जहां हाइड्रोजन लाइक एटम लेंगे। तो हाइड्रोजन लाइक एटम क्या होता है, हाइड्रोजन एटम तो आप जानते ही है, हाइड्रोजन लाइक एटम क्या होता है, ऐसा कोई भी एटम जिसके पास हाइड्रोजन की तरह ही एक इलेक्ट्रॉन हो। जैसे हम हीलियम की एग्जांपल ले लें, हीलियम का एटॉमिक नंबर टू है, एटम में दो इलेक्ट्रॉन है, पर अगर हम हीलियम आयन ले लें प्लस वन ले लें तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो अब इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, तो ये हाइड्रोजन लाइक एटम हुआ। इसी तरह से लिथियम का एटॉमिक नंबर थ्री होता है, मतलब तीन इलेक्ट्रॉन है इसके पास, अगर हम दो इलेक्ट्रॉन इसके लूज कर दें लिथियम टू पॉजिटिव आयन ले लें तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो ये एटम भी क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन लाइक एटम। याद रखिए बोहर मॉडल जो है ये सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होता है कहाँ पे, जिस एटम के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम के ऊपर ही ये अप्लाई होता है। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में जो मॉडल फेल हो जाता है वहां पे ये एप्लीकेबल नहीं है, ये ध्यान रखना आप लोगों ने। तो बोहर ने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन किसी एनर्जी लेवल में, किसी ऑर्बिट में, किसी स्टेशनरी स्टेट में घूम रहा होगा, उसकी एनर्जी किसके बराबर होगी, वो एनर्जी होगी En is equal to minus 2 pi square me की पावर 4 z square divided by n square into h square equal to minus 21.8। ये कैसे आया पहले इसकी बात करते हैं। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है एनर्जी का, कि जो इलेक्ट्रॉन जब किसी शेल में मूव करेगा तब उसकी एनर्जी किस तरह होगी, तो n क्या है, nth शेल, ये n आपका 1 भी हो सकता है, फर्स्ट शेल हो सकता है, एन टू हो सकता है, सेकंड शेल हो सकता है, एन थ्री हो सकता है, थर्ड शेल हो सकता है। तो ई एन हमने जनरल बता दिया, किसी भी शेल में जब इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी किसके बराबर होगी, माइनस टू पाई स्क्वायर एम ई फोर जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब बच्चे जहां पे एम क्या है, पाई तो आप सभी जानते हैं 22/7, जहां इसको हम 3.14 भी लिखते हैं। एम आपको पता होना चाहिए, एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम, जैसे हाइड्रोजन के लिए जेड वन आ जाएगा, हीलियम के लिए जेड टू आ जाएगा, लिथियम के लिए जेड थ्री आ जाएगा, एन क्या है, शेल कौन सा है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी आपको पता है 6.625 × 10⁻¹⁴ जो सेकंड होती है, इसको आप अगले सेकंड में भी लिख सकते हैं, वो कितनी आएगी 6.625 × 10⁻²⁷ सेकंड। तो एनर्जी का फॉर्मूला जी लगाते हुए मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो आपको बताना चाहिए 9.1 × 10⁻³ है, ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कितना 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम है, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ एटम है, ये आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, हाइड्रोजन के जेड 1 आ जाएगा, एन क्या है, शेल नंबर है, कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, सो ऑन। तो एन की वैल्यू क्या होती है, 1, 2, 3, 4 सो ऑन हो सकती है। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 6.625 × 10⁻¹⁴ जूल सेकंड। अब 1 जूल जो होता है 10⁻¹ और इसके बराबर होता है, तो इस जूल को आप किस में कन्वर्ट करते हैं, अर्ग में, तो एच कितना आ जाएगा, 6.625 × 10⁻¹⁷ और जहां 7 से मल्टीप्लाई कीजिए 34 में से 7 चला जाएगा, पीछे बच जाएगा 27 बच जाएगा। तो इन सबकी जब वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करेंगे तो एनर्जी किस तरह आएगा, -21.8 × 10⁻¹⁹ जूल्स जेड स्क्वायर जूल पर एटम, जेड क्या है, जे एटॉमिक नंबर आपको पहले बता दिया मैंने, डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर।
क्योंकि बाकी तो आपको पता है एम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, एच की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, जेड और एम जो है ये वेरिएबल है। एटॉमिक नंबर किसी एटम का हमें भरना, जो एटम दिया जाएगा उसी का भरना पड़ेगा। एन हमें दिया जाएगा किस शेल की एनर्जी निकालनी है, उस हिसाब से हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। इसलिए जहाँ पे जेड और एन हमने ऐसा चलाने दिया, जो पर एटम आएगा ये इतनी वैल्यू आ जाएगी एनर्जी की। ये आपको जवानी भी याद रखनी है। अगर हम जूल पर एटम को हम किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करें, आपको पता है वन मोल इज इक्वल टू किस तरह होते हैं, वन मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10^23 होता है एटम्स। तो पर एटम की बजाय आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो उसको, जूल पर मोल में या किलो जूल पर मोल में, तो ये आ जाएगा -13 12 डिवाइड बाय एन स्केयर इंटू जेड स्केयर किलो जूल पर मोल। अब यहाँ पे जूल पर एटम था तो आपको याद रखना है वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है जो होता है 1.6 इंटू 10^-19 जूल। अगर हम जहाँ पे जूल की जगह इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखना चाहते हैं तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -13.6 डिवाइड बाय एन स्केयर, ये आ जाएगा आपके पास -13.6 इंटू जेड स्केयर पर एन स्केयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो अगर हाइड्रोजन एटम है जेड आप वन पुट कर दीजिए तो सेम आ जाएगा, सिर्फ जेड किया वन वन स्केयर वन आ जाएगा तो जाएगा -21.8 इंटू 10^-19 डिवाइड बाय एन स्केयर जूल पर एटम, -13.12 डिवाइड बाय एन स्केयर किलो जूल पर मोल, या -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम डिवाइड बाय एन स्केयर। तो ये आपके पास आगे किसी भी शेल में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा उसकी एनर्जी क्या होगी। अब थोड़े कुछ दो तीन एक दो फार्मूला है वो आपने इसमें लर्न करना है, जब आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम आएगा वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पर जब आप बोहर मॉडल डिस्कस कर रहे हो जरूरी नहीं है इन चीज़ों को लिखने के लिए, ये जस्ट आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है। फिजिक्स में आप इनका डिटेल में पूरा करते हैं कि ये कैसे निकाले जाते हैं, यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिखना है। तो रेडियाई ऑफ एन स्टेशन इलेक्ट्रॉन किसी भी स्टेट एनर्जी स्टेट में घूम रहा है तो उस एनर्जी स्टेट की जो ऑर्बिट है उसका रेडियस कितना होगा, उसका फार्मूला क्या है। तो रेडियाई ऑफ एन स्टेशन स्टेट फॉर हाइड्रोजन एटम Rn से लिखते हैं, याद रखिए किस तरह होता है 0.529 एन स्क्वायर एंगस्ट्रॉम, आप जानते हैं 10^-8 मीटर। तो इसी तरह से इसको हम ऐसे भी लिखते हैं E0 एन स्क्वायर एंगस्ट्रॉम, A0 क्या है 0.529 की जगह आप क्या लिखते हैं A0। अब एन आपका क्या है फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड, थर्ड, जो भी होगा एन आपने पुट कर लेना है 1, 2, 3 सो ऑन। तो आप किसी भी ऑर्बिट का क्या निकाल सकते हो रेडियस की, इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी पे होगा न्यूक्लियस से। दूसरा फार्मूला, अगर आप हाइड्रोजन लाइक एटम है तो फिर आपने क्या करना है A0 एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड, जेड क्या है एटॉमिक नंबर है। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूम रहा है तो बोहर ने उसका वेलोसिटी भी फाइंड किया, तो वेलोसिटी क्या होगी इलेक्ट्रॉन, अगर हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वेलोसिटी किस तरह होगी, Vn इक्वल टू 2.188 इंटू 10^8 सेंटीमीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय एन होगी। और अगर ये हाइड्रोजन लाइक एटम है, हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन लाइक एटम है तब आप इंटू जेड कर देना है, बाकी सेम रहेगा 2.188 इंटू 10^8 इंटू जेड सेंटीमीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय एन। तो ये फार्मूले आपको कंप्लीट एग्जाम में न्यूमेरिकल निकालने के काम आएंगे, जहाँ पे आपने सिंपली जो पहले एनर्जी वाला लिखा है उतना लिख के छोड़ सकते हैं, सीधे नेक्स्ट पॉइंट पे जा सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट है, थर्ड बोहर ने कहा कि जब तक इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी लेवल में घूमता रहेगा वो ना तो एनर्जी लूज करेगा ना एनर्जी गेन करेगा, जब वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे में जंप करेगा फिर वो एनर्जी लूज भी कर सकता है गेन भी कर सकता है, डिपेंड करता है लोअर से हायर लेवल में एनर्जी हायर लेवल में जंप कर रहा है या हायर लेवल से लोअर लेवल में जंप कर रहा है। तो याद रखिए जितना एनर्जी लेवल का वैल्यू हाई होगा, जैसे N1 है N2 है, तो याद रखिए सेकंड शेल की एनर्जी फर्स्ट शेल से हाई होती है, थर्ड शेल की सेकंड शेल से हाई होती है, फोर्थ की थर्ड से हाई होती है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन थर्ड से फोर्थ में जाता है तो हम कहेंगे लोअर से हाई एनर्जी लेवल में जा रहा है, अगर कोई फोर्थ से थर्ड में आता है हम बोलेंगे हाई एनर्जी लेवल से लोअर में जा रहा है। तो बोहर ने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन सेम ही एनर्जी लेवल में घूमता रहेगा, अगर वो फोर्थ में ही घूमता रहेगा या थर्ड में ही घूमता रहेगा, ना तो एनर्जी लूज करेगा ना एनर्जी गेन करेगा, जब लोअर से हायर जाएगा, जब लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जंप करेगा तो एनर्जी गेन करेगा, और जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जाएगा तो एनर्जी लूज करेगा। तो एन इलेक्ट्रॉन नाइदर लूजेस नॉर गेन्स एनर्जी सो लॉन्ग एज इट इज रिवॉल्विंग इन द सेम ऑर्बिट, जब तक सेम ऑर्बिट में घूमता रहेगा ना एनर्जी लूज करेगा ना एनर्जी गेन करेगा। इट लूजेस एनर्जी, इट मतलब इलेक्ट्रॉन,
इट लूजेस एनर्जी व्हेन इट जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल. जब हायर से लोअर में जंप करेगा तो एनर्जी लूज करेगा एंड गेन्स एनर्जी, एनर्जी गेन करेगा व्हेन इट जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल. सपोज कर लीजिए इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम एनर्जी लेवल विद एनर्जी ई वन टू एनर्जी लेवल विद एनर्जी ई टू. एक एनर्जी लेवल है जिसकी एनर्जी ई वन है, दूसरा एनर्जी लेवल है जिसकी एनर्जी ई टू है. तो इलेक्ट्रॉन ई वन से किसमें जंप करता है, ई टू में. तब कितनी एनर्जी चेंज होगी, तो वो आएगी उसको हम लिखेंगे डेल्टा ई. डेल्टा ई आता है फाइनल एनर्जी कितनी है, इनिशियल कितनी है. जंप कहाँ से किया उसने, ई वन से. कहाँ जंप किया, ई टू में. एनर्जी कितनी चेंज हो जाएगी, ई टू माइनस ई वन. अब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहते हैं कि एनर्जी जब भी एमिट होगी वो इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स ऑफ मासलेस एनर्जी पार्टिकल होगी, जिसको हम फोटॉन बोलते हैं. और एनर्जी कितनी होगी, एच न्यू. इट मीन डेल्टा ई किसके बराबर आएगा, एच न्यू के बराबर. इसको वी नहीं लिखना, दिस इज एच न्यू. न्यू मतलब फ्रिक्वेंसी. तो डेल्टा ई क्या आएगा, एच न्यू इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन. अब फ्रिक्वेंसी भी आप जहां से निकाल सकते हैं, एच जहां पे प्लैंक्स कांस्टेंट है. तो एनर्जी जब ट्रांजिशन होगी एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो इलेक्ट्रॉन वेव भी कंसिडर की जाएगी आगे जाके हम पढ़ेंगे. तो उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, न्यू इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन अपन एच. जहाँ से आ जाएगा न्यू, एच को नीचे ले जाएगी, ई टू माइनस ई वन डिवाइडेड बाई एच आ जाएगा. एच क्या है, वही है जो आपने पीछे पढ़ा, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.625 इंटू 10^-34 जूल सेकंड. अब हम ये जानते हैं, आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ाया आपको, कि फ्रिक्वेंसी जो होती है न्यू किस तरह बोलते हैं, सी अपॉन लैम्डा. अगर सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, लैम्डा क्या है वेवलेंथ. तो न्यू की जगह आप क्या लिखते हैं, सी अपॉन लैम्डा. तो सी अपॉन लैम्डा क्या आ जाएगा, ई टू माइनस ई वन डिवाइडेड बाई एच. जहां से सी को इधर ले जाइए तो क्या आ जाएगा, ई टू माइनस ई वन डिवाइडेड बाई एच सी. पीछे क्या बचेगा, 1/λ. तो रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ को हम बोलते हैं वेव नंबर. 1/λ इज इक्वल टू न्यू बार. न्यू बार मतलब वेव नंबर. तो यहाँ से वेव नंबर आपका आ जाएगा ई टू माइनस ई वन डिवाइडेड बाई एच सी. वेव नंबर का यूनिट होता है सेंटीमीटर इनवर्स. वेवलेंथ का यूनिट सेंटीमीटर है, तो वेवलेंथ का, वेव नंबर का क्या होगा, सेंटीमीटर इनवर्स. इट मीन्स आप इन फार्मूले से आप बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी चेंज होगी जब एक एनर्जी लेवल से दूसरे में जाएगा. आप उस एनर्जी की फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं, आप वेव नंबर पता कर सकते हैं. ये सभी फार्मूले आपको याद रखने हैं. जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो यही फार्मूले वहाँ पर यूज होते हैं. हो सकता है आपको क्या दिया हो, वेवलेंथ दी हो, ट्रांजिशन की आपको पूछा जाए वेव नंबर, तो आपने क्या करना, 1/λ कर देना है. जब आपको फ्रिक्वेंसी पूछी हो तो सी λ कर देना है. तो ये फार्मूले आपको 24 घंटे याद रहना चाहिए, 365 डेज, तभी काम चलेगा. तो ये मेन थर्ड पॉइंट था जो हमने तीन हिस्सों में डिवाइड, सॉरी सेकंड पॉइंट था जिसको हमने तीन हिस्सों में डिवाइड किया. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, हम जहाँ पे फोर्थ ही लिखेंगे उसको, वो है हमारा एंगुलर मोमेंटम के साथ रिलेटेड है. नेक्स्ट जो है थर्ड पॉइंट है, यहाँ पे मैंने आपको पहले बोला फोर्थ लिखे रहे हम जहाँ पे, तो मेन तीन ही पॉइंट है. तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपनी मर्जी से हर जगह नहीं मूव करता है. इलेक्ट्रॉन सिर्फ वही मूव करेगा जहाँ इसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा इंटेग्रल मल्टीपल होगा किसका, एच अपॉन टू पाई का. तो एन इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन ओनली दोज ऑर्बिट्स वेयर इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई. एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, सबसे पहले पता होना चाहिए लीनियर मोमेंटम क्या होता है. तो लीनियर मोमेंटम हम लिखते हैं पी से इज इक्वल टू एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, जब कोई चीज स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं तो हम यूज करते हैं लीनियर मोमेंटम. बट यही बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम. और एंगुलर मोमेंटम किस तरह होता है, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस. अगर कहीं सेंटर से ले लीजिए जहां से ये जो रेडियस आर है यहाँ पे पार्टिकल मूव कर रहा है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इसका मास कितना है, कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और कितना रेडियस है. तो एंगुलर मोमेंटम किस तरह होता है, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस. तो क्योंकि बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो कहाँ मूव करेगा, यहाँ पे इसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, इंटेग्रल मल्टीपल हो जाएगा एच अपॉन टू पाई. इंटेग्रल मल्टीपल मतलब है कि जहाँ तो सिंपली हम लिखते हैं एन एच अपॉन टू पाई, एन आपका 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है. एन को बच्चे आगे जाके हमने पढ़ना है, इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं. एन हमें बताएगा कौन सा शैल है, फर्स्ट शैल है, सेकंड शैल है या थर्ड शैल है, या पहले भी पढ़ चुके हैं. तो एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे एक एच अपॉन टू पाई होगा, एच अपॉन टू पाई हो सकता है, या 2H/2π होता है, 3H/2π होता है, 4H/2π होता है. अब H की वैल्यू आपको पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू आपको पता है,
3.14 होती है ये वैल्यू, आप निकाल सकते हैं, जे भी निकाल सकते हैं, जे भी निकाल सकते हैं, जे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की इतना एंगुलर मोमेंटम होगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, यहाँ पे इतना होगा वहां मूव कर सकता है, यहाँ पे इतना होगा वहां मूव कर सकता है, यहाँ पे इतना होगा वहां मूव कर सकता है। कोई कहे कि 1.5 h/2π होगा, क्या तब मूव करेगा इलेक्ट्रॉन? नहीं मूव करेगा। बोर ने कहा सर वहीं पे मूव कर सकता है, यहाँ पे अन्य क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन कुछ भी हो सकता है। बट कोई कहेगा एन आपका 1.1 हो, नहीं होगा, 1.2 हो, नहीं होगा, इंटेग्रल होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो इनमें से कोई भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन सिर्फ वहीं पे मूव कर सकता है, इन बिटवीन नहीं। मान लीजिए एन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे एन 2 है, यहाँ पे एन 3 है, इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं मूव कर सकता, यहाँ इलेक्ट्रॉन कभी नहीं मूव करेगा, सिर्फ वहीं पे मूव करेगा। यहाँ पे एन क्या है 1, 2, 3, 4 वहीं पे मूव करेगा। अब हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पे मूव कर रहा है? तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है, वेलोसिटी भी मैंने आपको बताई है आपको अभी पीछे, तो वेलोसिटी भी पता है, रेडियस आप दूरी तय कर सकते हैं कि ये कितना रेडियस है, ये कितना है, यहाँ तक हम रेडियस निकाल लें, मास इंटू ब्लास्ट इंटू रेडियस निकाल लें, वो वैल्यू आएगी, उसको इनके साथ कंपेयर करेंगे, यहाँ पे भी वैल्यू आएगी, यहाँ पे भी आएगी, कोई देखेंगे क्या ये वैल्यू उनमें से किसी एक की वैल्यू है, अगर है तो मतलब इलेक्ट्रॉन पे वहाँ पे मूव कर रहा होगा। मान लीजिए हम यहाँ पे एम बी आर निकालते हैं, मास ब्लास्ट इंटू रेडियस निकालते हैं, वो वैल्यू कुछ आ जाती है ना, वो यहाँ फॉल करती है ना जहाँ, ना जहाँ, ना जहाँ, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन वहाँ पे नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होगा? जहाँ एच अपॉन टू पे टू पाई के साथ जहाँ 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, वो डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, हर एक वैल्यू एंगुलर मोमेंटम नहीं लेगा। 1 ले सकता है, 2 ले सकता है, 3 ले सकता है, 4 ले सकता है, 4.2 नहीं लेगा, 4.5 नहीं लेगा, 4.6 नहीं लेगा, ये इसका मीनिंग है। तो ये थी बोहर्स अटामिक थ्योरी या बोहर्स अटामिक मॉडल। तो अगेन मैं जल्दी जल्दी रिपीट कर देता हूँ, पहला पॉइंट सेम है कि बोहर ने कहा कि सेंटर में न्यूक्लियस है, उसके सराउंडिंग में सर्कुलर पाल्स हैं जिनकी एनर्जी फिक्स है, इलेक्ट्रॉन वहाँ पे मूव कर रहे हैं, उनको एनर्जी लेवल, एनर्जी स्टेट, स्टेशनरी स्टेट्स भी कहते हैं। फिर दूसरा उसने कहा कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक ही एनर्जी लेवल में घूम रहा है, ना तो एनर्जी लूज करेगा ना एनर्जी गेन करेगा, जब लोअर से हायर जाएगा तो गेन करेगा, जब हायर से लोअर जाएगा तो लूज करेगा। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट था इलेक्ट्रॉन सिर्फ वहीं पर मूव कर सकता है, यहाँ इसका एंग्रो मोमेंटम क्या हो, एच अपॉन टू पाई का इंटेग्रल मल्टीपल हो। अब बच्चे सबसे पहले आपको ये तो मॉडल खत्म हो गया, इसकी अब हमने आगे लिमिटेशंस करनी है, फिर हम इसकी एप्लीकेशंस भी करनी है, जो आपको लाइन स्पेक्ट्रम मैंने बोला था अब हम इजीली एक्सप्लेन कर पाएंगे। बट कुछ बच्चे जो हैं उनको पता ही नहीं है मोमेंटम क्या होता है। तो मोमेंटम बेसिकली क्या होता है, किसी भी बॉडी के अंदर मोशन कितना है। मान लीजिए आपके सामने एक मोटरसाइकिल दौड़ रहा है, मोटरसाइकिल की स्पीड जो है 60 किलोमीटर प्रति आवर है, उसी स्पीड से ट्रक भी दौड़ रहा है, अगर ट्रक किसी की दीवार के साथ टकराएगा और बाइक जो है वो भी टकराएगी तो कब नुकसान ज़्यादा होगा? नेचुरल सी बात है ट्रक से ज़्यादा नुकसान होगा। क्यों होगा? ब्लास्टी तो दोनों की सेम थी। तो टोटल मोमेंटम, टोटल ब्लास्टी किसी बॉडी के अंदर कितनी होती है वो हमें पता चलता है उसकी ब्लास्टी मल्टीप्लाइड बाय मास, तो दैट इज मोमेंटम बोलते हैं। अब वो बॉडी अगर स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है तो उसको लीनियर मोमेंटम बोलते हैं, अगर बॉडी वही सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हो तो उसको हम एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। लीनियर मोमेंटम का फार्मूला है मास इंटू ब्लास्टी, और एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है मास इंटू ब्लास्टी इंटू रेडियस। वही जो लीनियर मोमेंटम है अगर उसको हम रेडियस से मल्टीप्लाई कर दें, सेंटर से कितनी दूरी पे बॉडी मूव कर रही है, तो दैट बिकम एंगुलर मोमेंटम। तो ये आपने याद रखना है, बहुत ही ईजी मॉडल है, एग्जाम में बहुत बार आता है। अब हम नेक्स्ट करेंगे इसकी लिमिटेशंस एंड एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस और लिमिटेशन करने से पहले थोड़ा सा बीच में बात स्किप हो गई, वो आपको पता होना चाहिए, वो होगा नॉर्मल स्टेट और ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट से हमारा क्या मतलब होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन जो है लोएस्ट एनर्जी लेवल में मूव कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बनती है, वहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो हम बोलते हैं वो नॉर्मल स्टेट में है या ग्राउंड स्टेट में है। तो व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज इन लोएस्ट एनर्जी लेवल, लोएस्ट एनर्जी स्टेट, देन इट इज सेड टू बी इन नॉर्मल स्टेट और ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट क्या है? जब इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है, जो जिस एनर्जी लेवल में मूव कर रहा है नॉर्मल स्टेट से किसी हायर एनर्जी लेवल में जंप करता है, तो हम बोलते हैं किस में चला गया है, एक्साइटेड स्टेट में। मान लीजिए ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये इसी लेवल में घूम रहा था, तो हम बोलेंगे ये किस में है, नॉर्मल स्टेट में। अगर ये जहाँ से जंप कर जाता है इस लेवल में, तो हम बोलेंगे ये किस में चला गया है, एक्साइटेड स्टेट में चला गया है, दिस इज नॉर्मल स्टेट। लोएस्ट का मतलब ये नहीं कि यही वाला होगा, लोएस्ट मतलब आपको एटम देखना पड़ेगा, उसका आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है लास्ट इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में। मैंने जहाँ मान लिया थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, तो उसके लिए यही नॉर्मल स्टेट है।
और अगर हम उसको हीट करते हैं ये एनर्जी गेन करेगा। बोहर कहता है जब इसको एनर्जी मिलेगी तो हायर लेवल में चला जाएगा, अगर इसे हायर से लोअर में जाना है तो एनर्जी लूज करेगा। बोहर का मॉडल अभी आपने पढ़ा, अगर ये जहां से वापस जाएगा तो एनर्जी लूज करेगा, जहां से इधर जाएगा तो गेन करेगा। गेन कहां से करना, हम इसको एटम को हीट करेंगे तो उसको एनर्जी मिलेगी, यहां से जहां जंप कर जाएगा तो हम बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट में चला गया है। अगर इसी स्टेट में घूमता रहेगा तो हम बोलेंगे इसमें है, नॉर्मल स्टेट में है। तो ये चीजें आपको बतानी चाहिए, नॉर्मल स्टेट क्या होती है और ग्राउंड स्टेट क्या होती है। तो चलिए अब हम करते हैं एप्लीकेशन ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। सबसे पहली एप्लीकेशन इसकी यही है कि ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है, जो रदरफोर्ड नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था। रदरफोर्ड क्या कह रहा था, रदरफोर्ड के हिसाब से इलेक्ट्रॉन एटम जो न्यूक्लियस है उसमें गिरना चाहिए था, बट बोहर ने कहा ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बोहर ने कहा जब तक इलेक्ट्रॉन एक ही एनर्जी लेवल में घूम रहा है वो ना तो एनर्जी लूज कर सकता है ना ही गेन कर सकता है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता इलेक्ट्रॉन किस में गिरे, न्यूक्लियस में। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बेसिस के ऊपर ही एक्सप्लेन हो सका है। बोहर ने वही पॉइंट लिया है कि हर एक एनर्जी वो लूज नहीं कर सकता, सिर्फ डिसकंटिन्यूसली कुछ एनर्जीज हैं जिनको लूज कर सकता है। जब तक वो एक ही एनर्जी लेवल में मूव करता रहेगा तब तक ना तो एनर्जी लूज की जा सकती है ना ही गेन की जा सकती है। तो इसके बेसिस के ऊपर ही बोहर ने कहा कि जो एटम है वो क्या स्टेबल है। So it explains the stability of atom on the basis that electron cannot fall into the nucleus because electron neither loses nor gains energy so long as it keeps on moving in the same orbit. So इसके basis के ऊपर आप कह सकते हैं atom क्या है, stable है। दूसरा, इसने help की हमें hydrogen और hydrogen like atom की energy निकालने की, उनकी radius find करने की, उनकी velocity निकालने की, वो सारे के सारे formula मैंने बताए हैं जहाँ पे मैं सिर्फ एनर्जी का ही लिख रहा हूँ। आप सभी लिख सकते हैं कि बोहर के मॉडल से हमें एनर्जी निकालने का फार्मूला पता चला, हमें रेडियस निकालने का भी पता चला, हम ब्लास्टी भी निकाल सकते हैं, इवन आप आगे जाके सीखेंगे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन भी निकाल सकते हैं। तो इट हेल्प्स इन कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स। ये फार्मूला मैंने पहले भी आपको करवा दिया है। फिर थर्ड जो है, जो मैं बात कर रहा था लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम की, जो मैंने कहा था कि मैंने आपको एक वीडियो भेजा है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में करने जा रहे हैं। भाई जब भी हम हाइड्रोजन गैस लेते हैं, हाइड्रोजन गैस हमने कुछ अमाउंट लेंगे हाइड्रोजन गैस की, उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होंगे। मान लीजिए अगर आपने 1 मोल गैस ले ली आपने, 1 मोल मतलब 22.4 लीटर ले ली आपने, तो उसमें 6.022 × 10²³ मॉलिक्यूल्स रहेंगे हाइड्रोजन गैस के। अब जब हाइड्रोजन गैस को हम डिस्चार्ज ट्यूब में लेते हैं, उसको हीट करते हैं, उसका टेम्परेचर रेज होता है, होता क्या है, जितने मालिक्यूल आपने लिए हैं सभी मालिक्यूल सारे के सारे ना टूटे, उसमें से बहुत सारे मालिक्यूल जब वो ब्रेक होंगे और क्या देंगे आपको, हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन एटम, हर एक हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही स्पेक्ट्रल लाइन आपको दिखनी चाहिए थी, बट हमें नंबर ऑफ सीरीज ऑफ लाइन दिखाई देती हैं, जैसे लाइमन सीरीज है, वार्मर सीरीज है, पास्टन है, ब्रैकेट है, पी फंड है, हम पे सीरीज भी होती है जहाँ पर हमने 5 ही डिस्कस करनी है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो बोहर ने कहा जब ये मॉलिक्यूल ब्रेक होंगे तो लार्ज नंबर ऑफ एटम्स बनेंगे। अब हर एक की एनर्जी सेम नहीं रहेगी, कोई एनर्जी ज़्यादा गेन करेगा, कोई कम गेन करेगा, तो वो अपने नॉर्मल स्टेट से हायर लेवल में जाना शुरू कर देंगे। हो सकता है कोई सेकंड से थर्ड में चला जाए, फोर्थ में चला जाए, फिफ्थ में चला जाए, सिक्स में चला जाए, डिपेंड करेगा कितनी एनर्जी गेन की है। किसी ने कम की होगी तो वो नीचे रह जाएगा, किसी ने थोड़ी सी ज़्यादा की होगी वो हायर लेवल पर चला जाएगा, और ज़्यादा गेन की होगी तो और हायर लेवल पर चला जाएगा। तो हमारे पास मान लीजिए, मैं सिंपल सी बात करता हूँ, 2000 एटम्स आपके पास हाइड्रोजन एटम है, तो हो सकता है उसमें से 100 एटम जो है वो फर्स्ट एनर्जी लेवल से सेकंड में चले गए, उनके इलेक्ट्रॉन जो आगे 100 एटम्स हैं उनके हो सकता है थर्ड में चले गए, आगे वाले 100 के हो सकता है फोर्थ में चले गए। तो हर एक जो हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन है वो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल में चले जाएंगे। जब ऊपर चले गए वो तो एक्साइटेड हो जाएंगे, अब वो चाहेंगे कि वापस ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करेंगे, जहाँ ऊपर से लोअर एनर्जी लेवल में आने की कोशिश करेंगे। जब नीचे आएंगे तो जितनी एनर्जी उन्होंने गेन करके ऊपर पहुँचेंगे उतनी ही लूज करके वापस आएंगे। जब वापस आएंगे तो किस फॉर्म में एनर्जी मिट करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन या इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। तो उनकी आप फ्रिक्वेंसी, उनकी वेव लेंथ आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसी के बेसिस के ऊपर बोहर ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि ये लाइमन बॉमर सीरीज कैसे बनेगी। तो डिस्पाइट प्रेजेंस ऑफ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इट गिव्स सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ये सीरीज क्यों बन रही है, एक ही लाइन बननी चाहिए थी। सीरीज में कौन कौन सी आती हैं, लाइमन, बामर,
पाशन बैटर पी फंड सीरीज व्हेन हीटेड इन डिस्चार्ज ट्यूब, जब हम हाइड्रोजन गैस को किसमें हीट करते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब में। बोहर्स मॉडल कैन इजिली एक्सप्लेन दिस, बोहर इसको और आराम से क्या कर देगा, एक्सप्लेन कर देगा कैसे। अकॉर्डिंग टू बोहर व्हेन हाइड्रोजन गैस इज हीटेड, जब हाइड्रोजन गैस को हम हीट करते हैं, इट स्प्लिट्स इन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, बहुत सारे इसके क्या बन जाएंगे, एटम बन जाएंगे, एंड डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स अब्सॉर्ब डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो डिफरेंट डिफरेंट एटम जो है सेम एनर्जी अब्सॉर्ब नहीं करेंगे, अलग अलग अमाउंट की एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे, एंड जंप्स टू डिफरेंट हायर एनर्जी लेवल, और कहाँ चले जाएंगे, हायर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे। व्हेन दे टर्न बैक, जब वो वापस आएंगे इन टू डिफरेंट लोअर एनर्जी लेवल्स, इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, जिसकी वजह से अलग अलग लाइने बनेंगी स्पेक्ट्रम में। तो आगे हम डायग्रामेटिक समझाते हैं आपको कैसे बनेंगी। तो हाइड्रोजन एटम में स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे फॉर्म हो रही है, सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कैसे फॉर्म हो रही है, बोहर ने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। जैसे हमने पीछे स्टडी किया कि जब हम हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन गैस को हीट करेंगे, तो हो सकता है जो ये हमने लिखा है एनर्जी लेवल लिखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्थ। अब होता है कुछ एटम जो हैं वो फर्स्ट एनर्जी लेवल से कहाँ गए हों, सेकंड में, कुछ हो सकता है थर्ड में चले गए हों, कुछ फोर्थ में, कुछ फिफ्थ में, सो ऑन, कहीं पर भी जा सकते हैं जब हमने उसको हीट किया। अब अगर हायर एनर्जी लेवल से जब फर्स्ट शेल में वापस लौटते हैं, हो सकता है सेकंड से वो फर्स्ट में जाए, थर्ड से वो फर्स्ट में जाए, फोर्थ से फर्स्ट से जाए, फर्स्ट में जाए, फिफ्थ से वो फर्स्ट में जाए, सिक्स से फर्स्ट में जाए, सेवन से फर्स्ट में जाए, एट्थ शेल में से फर्स्ट शेल में जाए, नाइन्थ शेल में से फर्स्ट शेल में जाए। जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से फर्स्ट शेल में जाएगा तो एक सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर्म होगी, जिसको क्या नाम दिया उसने, लाइमन सीरीज। इसी तरह से हो सकता है वो फर्स्ट शेल में ना लौटे इलेक्ट्रॉन, सेकंड में चले जाए, वो भी तो लो रही है, थर्ड से चला जाएगा सेकंड में, फोर्थ से सेकंड में, फिफ्थ से सेकंड शेल में चला जाए, सिक्स से सेकंड में, सेवन से सेकंड में, एट से सेकंड में, सो ऑन। जब सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन वापस लौटेगा एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, तो एक और सीरीज बनेगी जिसको हम क्या बोलते हैं, वार्मर सीरीज। इसी तरह से अगर सेकंड में नहीं लौटते हैं, थर्ड में लौटते हैं, तो फोर्थ से थर्ड में जाएगा, फिफ्थ से थर्ड में जाएगा, सिक्स से थर्ड में जाएगा, सेवन से थर्ड में जाएगा, फोर्थ सॉरी एट्थ नाइन्थ टेंथ, सभी शेल में से इलेक्ट्रॉन कहाँ लौटे, थर्ड शेल में लौटेगा, तो कौन सी सीरीज बनेगी, पाशन सीरीज। इसी तरह से फोर्थ शेल में अगर लौटे, फिफ्थ से, सिक्स से, सेवन से, एट से, नाइन्थ टेंथ सो ऑन, किसी भी शेल में से अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ वापस आता है, फोर्थ शेल में, तो कौन सी बनेगी, ब्रैकेट सीरीज। इसी तरह से अगर फिफ्थ शेल में आता है तो कौन सी बनेगी, पी फंड सीरीज। इसमें कई बार एग्जाम में कंपिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो पूछ लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज फॉल्स इन अल्ट्रा वायलेट रीजन। तो बच्चे ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं स्पेक्ट्रोमीटर में जब आप देखोगे, ये कहाँ दिखेंगी आपको, पहली वाली लाइन जो है ये आपको दिखेगी, पहले वाली सीरीज जो है ये आपको दिखेगी अल्ट्रा वायलेट रीजन में, दूसरी जो सीरीज है वार्मर सीरीज ये आपको दिखेगी विजिबल रीजन में, बाकी जो तीन है पाशन ब्रैकेट पी फंड सीरीज ये तीनों आपको इंफ्रारेड रीजन में दिखेंगी। जब आप स्पेक्ट्रम देखेंगे तो ये कहाँ पे दिखेंगी आपको, याद रखना है पहली अल्ट्रा वायलेट, दूसरी विजिबल, बाकी तीनों जो है ये आपको इंफ्रारेड रीजन में दिखाई देंगी। तो इस पे मल्टीपल टाइप क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। अब हर एक स्पेक्ट्रल लाइंस की आप फ्रिक्वेंसी भी निकाल सकते हैं यूजिंग रिडवल फार्मूला, वो बोहर जो मॉडल दिया है, बोहर ने जो एनर्जी का फार्मूला दिया है वहीं से ड्राइव हुआ है, वो हम आगे जा करके जाके आपको बताते हैं कि रिडवल फार्मूला क्या है। बेसिकली रिडवल फार्मूला क्या है, इन्हीं सीरीज की फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए फार्मूला है, वो हम आगे करेंगे अभी। तो हम कर रहे थे स्पेक्ट्रल लाइंस जो थी, डिफरेंट सीरीज जो होती है हमारे पास, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, पीछे हमने डिस्कस किया लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पाशन, ब्रैकेट, पी फंड। अब इन सीरीज का हम जो जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है कितनी एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है, या कितनी वेव लेंथ है उसकी, वेव नंबर क्या है उसका, फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्रांजिशन कितना है, वो हम रिडवर्क फार्मूला के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बोहर जो है हमें रिडवर्क फार्मूला कैलकुलेट करने में भी हेल्प करता है। अब आप जानते हैं कि बोहर ने क्या कहा होगा, अकॉर्डिंग टू बोहर अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो है अगर nth ऑर्बिट में है तो एनर्जी कितनी होती है, ई एन इज इक्वल टू माइनस टू पाई स्क्वायर एम ई फोर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर, जो हमने सारा डिटेल में किया है। हम इस सब को माइनस टू पाई स्क्वायर एम ई फोर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर को हम आर एच ले सकते हैं, अगर आर एच क्या रिडवर्क कॉन्स्टेंट है, और इसको हम लिखते हैं टू पाई स्क्वायर एम ई फोर अपॉन एच स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं रिडवर्क कॉन्स्टेंट, सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आर एच कितना आएगा, 21.8 इंटू टेन पावर माइनस 19 जूल पर एटम
इसको हम -13 12 किलो जूल पर मोल भी लिख सकते हैं, इसको हम -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम भी लिख सकते हैं। ये सभी जो है रिडेबल कांस्टेंट ही है। अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है N2H शेल से N1 शेल में जंप करता है, तो तब एनर्जी चेंज कितनी आएगी, डेल्टा E क्या आएगा, En2 - En1। तो यहाँ से आप लगा लीजिए फार्मूला, En2 क्या आ जाएगा -RH1/N2², फिर En1 क्या आ जाएगा -RH1/N1² माइनस आ गया, ये माइनस और जाएगा फार्मूले का ये माइनस, तो इसको ओपन कर लीजिए -RH1/N2² माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस RH1/N1², ये प्लस वाला इसको पहले लिख सकते हैं हम लोग, RH कॉमन निकाल लीजिए तो डेल्टा ही क्या आएगा RH1/N1² -1/N2². तो जी हमें देखा एनर्जी का डिफरेंस, कितनी एनर्जी जो है वो चेंज आएगी जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा कहाँ से N2 से N1 में। इसी तरह से फ्रिक्वेंसी आप ट्रांजिशन भी निकाल सकते हैं कि फ्रिक्वेंसी कितनी होगी उसकी, तो फ्रिक्वेंसी आपको पता है हम जानते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहती है डेल्टा ई किस बराबर होगा एच न्यू के बराबर, तो न्यू क्या आ जाएगा डेल्टा ई डिवाइडेड बाई एच आ जाएगा, तो न्यू आगे फ्रिक्वेंसी। अब डेल्टा ई क्या किस बराबर है RH1/N1² - 1/N2², ये आ गया डिवाइडेड बाई क्या कर दीजिए एच कर दीजिए, ये हमें क्या देगा फ्रिक्वेंसी देगा। अब फ्रिक्वेंसी जो होती है C/λ मतलब लाइट की जो वेलोसिटी है उसको वेवलेंथ से डिवाइड करना है, तो C/λ किस तरह आ गया डेल्टा ई डिवाइड बाई एच RH डिवाइड बाई एच, या क्या सेम। अब 1/λ होता है वेव नंबर, अगर सी को इधर ले आए तो एक्स सी आ जाएगा, तो वेव नंबर ऑफ ट्रांजिशन क्या आएगा न्यू बार 1/λ जाएगा डेल्टा ई डिवाइड बाई एच सी, ये आ गया, तो ये आगा आपका RH डिवाइड बाई एच सी, ये सेम आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं RH क्या है जी दिया हुआ आपको सारा, इसको हम एच भी वैल्यू पता है आपको, प्लैंक्स कांस्टेंट सी की वैल्यू पता है 3×10⁸ m/s होती है, ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जाएगा 1.09677×10⁷ m². आगे यही फॉर्मूला आ जाएगा, तो कुछ बुक में इसको भी आप रिडेबल कांस्टेंट बोल सकते हैं 1.09, अगर इन टर्म्स ऑफ मीटर इनवर्स पूछा होगा रिडेबल कांस्टेंट कितना होता है तो आपने बोलना है 1.09677×10⁷ m², इसको भी हम रिडेबल कांस्टेंट बोलते हैं। बेसिकली जो यहाँ हम आर एच लिख रहे हैं उसको एच सी से डिवाइड कर दें तो ये टर्म आएगी, तब इसको भी आप रिडेबल कांस्टेंट बोल सकते हैं, जहाँ आप आर एच डिवाइड बाई एच सी बोल दीजिए इसको एच सी, तो ये आएगा 1.09677×10⁷ m², याद रखिए अगर आप एग्जाम में जाते हैं वहाँ पर मल्टीपल टाइप आता है रिडेबल कांस्टेंट की वैल्यू, जे वाली नहीं मिलती है, जे भी नहीं मिलती है, जे वाली दी हुई है अगर मीटर इनवर्स में, यहाँ यूनिट देख के आपने पता चल करना है जूल पर एटम में रिडेबल कांस्टेंट इसके बराबर होता है, किलो जूल पर मोल में इसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में इसके बराबर होगा, और मीटर इनवर्स होगा तो 1.09677×10⁷ m² होगा, तो ये आपका आ जाएगा रिडेबल कांस्टेंट। अब बच्चे मैंने आपका जो बोहर मॉडल था वो पूरा वीडियो बनाया है, उसके बाद उसकी एप्लीकेशन भी बनाई, पर अनफॉर्चुनेटली जो मेरा मैंने कैमरा अपलोड किया उसमें मैंने जो ऑडियो का मोड था वो ऑफ रह गया, वो म्यूट ही आएगा, अब मैं दोबारा से उसको आप पीछे से आवाज़ देने की कोशिश करूँगा, तो हो सकता है वो मैचिंग ना हो तो उसको थोड़ा सा देख लेना, आपको प्रॉब्लम आएगी सर कुछ बोल रहा है वहाँ आवाज़ कुछ आ रही है, तो उसके लिए बच्चे सारे वो इनकन्वीनियंस हो गया यहाँ पर, क्योंकि मुझे भूल गया जो ऑडियो था उसको ऑन करना, तो मैं कोशिश करूँगा उसको दोबारा से वॉल्यूम देने की ताकि आपके काम आ सके, क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो दोबारा बनाना मेरे लिए भी फिजिबल नहीं है, 2-3 घंटे हो गया मैंने बनाते हुए, तो दोबारा से 3 घंटे निकालना मुश्किल होता है, तो आई होप मैं ट्राई करूँगा माई बेस्ट कि वो आपको अच्छे से समझ आए, मैं खुद से उसको ऑडियो प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू बच्चे, आज के लिए इतना ही, हैव ए नाइस डे। फिर भी अगर वहाँ पर जो वॉल्यूम प्रॉपर नहीं हो पाती है तो मैं इन शॉर्ट जल्दी जल्दी थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता देता हूँ मैंने पढ़ाया गया उसमें। आज सबसे पहले मैंने स्टार्ट करवाया वहाँ पे बोहर्स मॉडल, तो बोहर मॉडल दिया हुआ है नील बोहर ने 1913 में दिया हुआ है, ये डैनिश फजिस्ट है उसने दिया है। बेसिकली रदरफोर्ड जो मॉडल था उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, वो प्रॉब्लम क्या रही थी, वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, वो कह रहा था कि अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, एटम कोलैप्स कर जाना चाहिए, बट कभी भी ऐसा नहीं हो पाता है। दूसरा वो उसने अपना मॉडल कंपेयर किया सोलर सिस्टम के साथ, जो टोटली रॉन्ग कंपेरिजन था। तीसरा वो जो स्पेक्ट्रा होता है हाइड्रोजन एटम का वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जो अभी हमने एक्सप्लेन किया जो बोहर के मॉडल के बेसिस के ऊपर ही एक्सप्लेन किया हुआ है।
तो उसी को ओवरकम करने के लिए नील बोहर ने एक मॉडल दिया। उसने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को मद्देनजर रखते हुए स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम और स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। और उसके मॉडल के मेन तीन ही पॉइंट हैं। पहला पॉइंट ये है कि जब तक जो पहला पॉइंट है वो रदरफोर्ड ने जो पॉइंट दिया हुआ वही पॉइंट है उसका। उसने कहा कि एटम जो है वो किसका बना हुआ है, स्मॉल पॉजिटिवली हैवी बॉडी है इन द सेंटर जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, और उसके सराउंडिंग में नेगेटिवली चार्ज बॉडी मूव कर रही जिनको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये पहला पॉइंट वही था जो रदरफोर्ड ने कहा था। फिर उसने कहा, दूसरा ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डेफिनेट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और उन ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो क्या फिक्स्ड है। उसने कहा कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रास्ते हैं, रास्ते किस तरह के हैं, गोल हैं, सर्कुलर रास्ते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है, उन सर्कुलर रास्तों की जो एनर्जी है वो फिक्स्ड है, जिसके वजह से उसने उनको स्टेशनरी स्टेट बोला। स्टेशनरी का मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है, इसका मतलब ये है कि एनर्जी फिक्स्ड है। फिर इसने इनको ऑर्बिट का नाम भी दिया, एनर्जी लेवल का नाम भी दिया, क्योंकि एनर्जी के साथ एसोसिएटेड है, एनर्जी लेवल का नाम दिया। फिर शेल भी कहा जा सकता है, तो नंबरिंग की जो न्यूक्लियस के पास वाला रास्ता था उसको एन इज इक्वल टू 1 कह दिया, वह फर्स्ट शेल। फिर उसके आगे जो था सेकंड शेल, उसके आगे जो था थर्ड शेल, फोर्थ शेल। उन्होंने कहा कि इसको हम डेजिग्नेट भी कर सकते हैं के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, सो ऑन। तो ये उसका पहला पॉइंट था। दूसरा उसने कहा कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक ही एनर्जी लेवल में, मान लीजिए वो सेकंड एनर्जी लेवल में घूम रहा है, तब तक वो एनर्जी ना लूज करेगा ना गेन करेगा। जब वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जंप करेगा तब वो लूज भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है। जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर में जाएगा, जैसे आपको कहे छत से छलांग लगाए नीचे, तो जब नीचे पड़ोगे टांग टूटेगी, एनर्जी लूज हो जाएगी ना, ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करेगा तो एनर्जी लूज करेगा, जब हायर लोअर से हायर में जाएगा तो एनर्जी गेन करेगा। जी उसका सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट उसने ये कहा कि हर जगह इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता है, सिर्फ वही मूव करेगा जहां उसका एंगुलर मोमेंटम इंटेग्रल मल्टीपल होगा किसका, एच अपॉन 2π का। तो ये मेन तीन पॉइंट्स थे। फिर उसकी एप्लीकेशन थी, एप्लीकेशन में स्टेबिलिटी पहले उसने एक्सप्लेन की कि स्टेबिलिटी कैसे एक्सप्लेन की कि इलेक्ट्रॉन जब तक एनर्जी लेवल में घूम रहा है वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर ही नहीं सकता, क्योंकि बोहर कहता है जब तक वो जंप नहीं करेगा तब तक वो एनर्जी लूज नहीं करेगा, तो इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिरे। तो इसके बेसिस के ऊपर उसने स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर दी। दूसरा उसने जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी वो उसने एक्सप्लेन कर दी, जो अभी आपके सामने किया कि हाइड्रोजन गैस को जब हम गर्म करते हैं तो हमारे पास स्पेक्ट्रल की लाइन बनती है, एक बैंड बन जाता है, डिफरेंट डिफरेंट लाइंस बनती, सीरीज बन जाती है लाइन की, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पाशन ब्रैकेट, जबकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, जब एक इलेक्ट्रॉन थे एक ही लाइन आनी चाहिए थी, जहां मल्टीपल सीरीज क्यों बन रही है। तो बोहर ने कहा जब हम इलेक्ट्रॉन, जब हाइड्रोजन गैस को गर्म करते हैं तो हाइड्रोजन गैस में एक ही एटम नहीं है, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स हैं, जब उसको हम हीट करते हैं तो वो स्प्लिट हो जाता है, हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक हो जाते हैं हाइड्रोजन एटम्स में, हर एक हाइड्रोजन एटम के पास एक क्या है, हाइड्रोजन हर एक एटम के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो जब हीट कर रहे हैं सभी हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक ही एनर्जी लेवल में जंप नहीं कर रहे हैं, कोई सेकंड में, कोई थर्ड में, कोई फोर्थ में, कोई फिफ्थ में, कोई सिक्स में जा रहा होगा, जब वो वहां से वापस आएंगे तो फिर एनर्जी लूज करेंगे, वो एनर्जी हमें इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन दिखाई देती है, इसलिए डिफरेंट सीरीज बनती है। जब इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट में जंप करेगा, थर्ड से फर्स्ट में, फोर्थ से फर्स्ट में, फिफ्थ से फर्स्ट में, सिक्स से फर्स्ट में जंप करेगा तो लाइमन सीरीज बनती है, इसी तरह से जब थर्ड से सेकंड में, फोर्थ से सेकंड में, फिफ्थ से सेकंड में, सिक्स से सेकंड में, सेवन्थ से सेकंड शेल में जंप करता है तो बामर सीरीज बनती है, इसी तरह से आ जाएगी आपकी पाशन सीरीज जब थर्ड में आएगा, फिर ब्रैकेट सीरीज जब फोर्थ में आएगा, और लास्ट में पी फ्रंट सीरीज जब फिफ्थ शेल में जंप करेगा इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से फिफ्थ में जंप करेगा। तो जो पहले वाली सीरीज है लाइमन सीरीज वो आपको कहाँ दिखेगी, वो दिखेगी आपको अल्ट्रा वाइट रीजन में। सेकंड वाली बामर सीरीज जो है वो आपको दिखेगी किसमें, विजिबल रीजन में। बाकी जो तीनों हैं वो आपको दिखेंगी इन्फ्रारेड रीजन में। तो ये मैंने वहाँ पे करवाने की कोशिश की है, मैंने शॉर्ट में आपको यहाँ पे रिवाइज किया है उसको, क्योंकि वहाँ मैं साउंड नहीं दे पाया हूँ, फिर भी मैं दोबारा से कोशिश करता हूँ इसको वॉल्यूम देने की, तो इसको अच्छे से समझिए बच्चे। आपको पहले भी मैंने एक किसी दूसरे का भी वीडियो भेजा हुआ था बोर मॉडल के ऊपर, बट वो कंप्लीट नहीं था, इसलिए मैंने खुद अपना बनाया है, तो इसको मैं अभी
वॉल्यूम देके आपको सेंड करने की कोशिश करूंगा, इसको ध्यान से देखिए समझिए, कहीं पर भी आपको कोई डाउट आता है मुझे पूछिए, तो फिर हम करेंगे इसकी एप्लीकेशंस।